इस किला में एक महिला को बलि दिया गया था। आखिरकार क्या था राज, आखिरकार क्या था बजा जिसके लिए एक महिला को बलि दिया गया। इस किला की दर्दनाक कहानी आपका रोंगटे खड़ा कर देंगे। इस किला की आज ऐसा कुछ राज बताने वाली है जो सुन के आप लोगों का पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो तक बने रहना पड़ेगा। अभी जो आप लोग घटनाएं सुनने वाली हो, एक घटना दक्षिण भारत की राज्य कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु का है। आज आप लोग बेंगलुरु के पीछे छुपे हुए ऐसे कुछ राज, ऐसे कुछ फैक्ट जानने वाले हो जो आप लोग कभी भी नहीं सुना होगा। और आप लोग ऐसे कुछ दर्दनाक घटनाएं सुनने वाले हो इस बेंगलुरु फोर्ट की, जो सुन के आपका पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। और इसको हम लोगों को जानने के लिए जाना पड़ेगा करीब 480 साल पीछे। चलिए हम लोग चले जाते हैं 480 साल पीछे। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिलहाल बेंगलुरु का किला में हूँ। इस किला के बारे में ऐसा कुछ आज फैक्ट बताने वाले हैं, अभी तक नहीं सुना होगा। इस किला जो देख रहे हो, इस किला को बनाने के समय में एक महिला को बलि दिया गया था। सही सुना आप लोग, आखिरकार क्यों किला में एक महिला को बलि दिया गया था वो पूरा डिटेल्स में आज बताने वाली है। आप लोग पूरा वीडियो तक बने रहना और इस किला का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आप लोगों को। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले आखिरकार क्यों, क्या रीज़न था, क्या वजह था जिसके लिए जो है एक महिला को इस किला में बलि दिया गया था। पूरा वीडियो में बने रहना, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आज का वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन करने वाले। और आप लोग किला का ये देख रहे हो तो इस साइड में है एक द्वार है और इस साइड में एक द्वार है, वो पूरा ऊंट का बना हुआ है। और इधर देख सकते हो पूरा ये जो है अभी पत्थर का बना हुआ है। और भाई ये क्या है, किधर से जा रहे हैं? तो अंदर सुरंग के तरह है, आप लोग देख सकते हो। और इधर जो है इधर पूरा लॉक हुआ है, उसके बाद में और कुछ आपका जो हैदर अली खान ने इसको थोड़ा सा बहुत डेवलप किया था। पहले जो था इसका जो है मिट्टी से बना हुआ था, कैंपेगौरा ने आपका मिट्टी से बनाया हुआ था। बाद में हैदर अली और आपका टीपू सुल्तान ने बदलाव किया इसमें, तो आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे आखिरकार इस किला में एक महिला को क्यों बलि दिया गया था। सन था 1537, उस समय कैंपेगौरा इस किला को बनाने के लिए शुरू किया था। इस किला को बनाने के समय बहुत ही परेशानी, बहुत ही मुश्किल सामने आया था, लेकिन कैसे भी करके चारों तरफ की दीवार जो था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुख्य द्वार की एक दीवार बाकी था। उस दीवार को जितनी बार बनाता था उतना बार ही वो दीवार अपना आप ही गिर जाता था। मालूम नहीं क्या राज था इस दीवार के पीछे, बहुत ही कोशिश करके देखा लेकिन मसला हल नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी अच्छी कारीगरों को बुलाया इस दीवार को खड़ा करने के लिए, लेकिन तब भी मसला हल नहीं हुआ। बाद में किसी एक व्यक्ति ने बोला था अगर इस किला की मुख्य द्वार पर एक महिला को बलि दिया जाए तो इस किला की दीवार टिके रहेगी, लेकिन कैंपेगौरा इससे बलिदान के सख्त खिलाफ थी और सख्त मना कर दिया था। लेकिन पिछला दिन जब सभी उठ के देखा तो दीवार के सामने एक महिला का सिर धड़ से अलग था
और दीवार भी सही सलामत टिके था। वो महिला और कोई नहीं थी, केम्पी गौरा का बहू थी। इस किला की दीवार को खड़ा रखने के लिए अपने सिर आप ही धर से अलग कर दिया। यही था इस किला का राज और इस किले के पीछे छुपे हुए कहानी। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग इस किले में आना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएगा। तब चलते हैं, आज के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।